हाय, मैं सोवत नाग। मेरा ग्रेजुएशन फिजिक्स पे खड़गपुर कॉलेज से मैंने किया हूँ। उसके बाद मैं विद्यासागर यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए ज्वाइन किया था। मेरा दो बार गेट में क्वालिफाई हो गया था और मेरा जैम का भी दो बार ही क्वालिफाई था। तो लास्ट ईयर जो जैम का मेरा रैंक था वो 1600 के आसपास था, तो उनमें मुझे NIT मिल रहा था लेकिन IIT नहीं हुआ था। तो इस साल मुझे IIT मिला था। IIT ISM धनबाद में मेरा जियो फिजिक्स में हुआ था। मैंने उधर ज्वाइन नहीं किया, तो मेरा जैम के स्कोर से इस बार इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है नाइजर पे मेडिकल एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में। तो मैंने मेरा जैम और गेट का कोचिंग फिजिक्स गैलेक्सी से लिया था। तो मैंने 2021 से ही इधर कोचिंग में हूँ इधर। थैंक यू सर मुझे आज इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाने के लिए। 6 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था नाइजर पे। तो मैंने जब उधर गया तो उन्होंने पहले मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा वेट करने के लिए बोला था। मेरा जो इंटरव्यू था वो 11 बजे से शुरू हुआ था। सो उधर टोटल 4 सर था, एक मैम थे। सर ने पहले मुझे बोला कि मैं कौन सी टॉपिक मैं प्रिपरेशन लेके आया हूँ। तो मैंने कहा था क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक, ये 4 मैंने बोला था उधर। तो पहले सर ने मुझे क्वांटम से क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने पहले बोर्ड पे जाके मुझे कहा कि वेव फंक्शन क्या होता है। तो मैं पहले उन्होंने वेव फंक्शन से शुरुआत किए थे और उन्होंने कहा था कि वेव फंक्शन एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने के लिए उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। मैंने पहले जो बोला था उधर, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए प्लस माइनस इन्फिनिटी में वो 0 होना चाहिए, और दूसरा जो है वो वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एंड उधर मैंने एक टर्म मिस किया था जो सर ने उसके बाद मुझे उसे पूछा कि अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। तो मैंने कहा था नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सर ने पूछा क्यों नहीं होगा, तो मैंने उधर सिंगल वैल्यूड वाला जो टर्म है वो मैंने मिस किया था पहले। तो मैंने बोला कि ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। उसके बाद बोला कि कौन कौन सी तुम पोटेंशियल की सॉल्यूशन तुम करके आए हो। तो मैंने बोला था जो बेसिक होता है 1D पोटेंशियल बॉक्स, 2D 3D पोटेंशियल बॉक्स जो होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सब प्रॉब्लम मैं देख के गया था। तो मैंने वो सब बोला। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि चलो तुम एक 1D पोटेंशियल बॉक्स ड्रॉ करो। तो हम लोग को पता है कि 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए इधर 0 to A में इसका पोटेंशियल होता है 0 एंड इधर ये इनफाइनाइट को जा रहा है। इन द रीजन 0 में अगर कुछ फाइनाइट पोटेंशियल है तो ऐसा कंसिडर करो। तो मैंने उसके बाद उधर ड्रॉ किया V0 पोटेंशियल। उसके बाद बोला कि इसका जो वेव फंक्शन होगा वो उसका सॉल्यूशन करो। तो हम लोगों को पता है कि H psi equal to E of psi, इधर से हम लोग को पता है ओके। तो उसके बाद
दो रीजन आएगा, दो रीजन में पहले ये रीजन वन होगा और रीजन टू। तो इस रीजन वन पे होगा क्या, ये पोटेंशियल जो है वो वी जीरो पोटेंशियल है, और रीजन टू पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जीरो है। तो इधर से जो सॉल्यूशन आएगा रीजन के लिए, तो वो आएगा जब पहले रीजन के लिए होगा, तो पहले रीजन पे वी एक्स जो होगा वो वी जीरो होगा, और दूसरे रीजन के लिए वी एक्स जो होगा वो जीरो होगा। तो और इसका भी दो पार्ट होगा। अगर जो एनर्जी है वो एनर्जी, अगर ई एनर्जी जो है वो वी जीरो से कम हो सकता है या ज़्यादा, तो मैंने पहले किया था ई लेस देन वी जीरो। ओके, तो जब ई लेस देन वी जीरो होगा तो इस कंडीशन में तब ये जो टर्म होगा, ये टर्म पॉजिटिव टर्म होगा। तो उधर इक्वल टू जीरो, और ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ओके। इसके बाद साई इक्वल टू ए टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। बाउंड्री कंडीशन इसमें हम जब लगाएंगे तो ये जो टर्म होगा, ये बी जो कांस्टेंट होगा, ये वी होगा जीरो, टेंस टू जीरो, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट पे, जब माइनस इन्फाइनाइट पे साई को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर ये बाउंड्री कंडीशन पे ये टर्म होगा जीरो, तो इधर पहले जो होगा तो वो एक्सपोनेंशियल टर्म ही सर्व रहेगा इन रीजन वन पे, ठीक है। इसके बाद जब ये सेकंड रीजन पे रहेगा, तो सेकंड रीजन पे जब होगा तो ये वन डी बॉक्स की तरह ही इधर पोटेंशियल रहेगा। उसके बाद बोला था कि इस अगर इस पोटेंशियल के अंदर वेव फंक्शन ड्रॉ करने के लिए वेव फंक्शन ड्रॉ होगा, तो वो इधर पे कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी रहेगा पार्टिकल के लिए, लेकिन इस तरफ ये जीरो जीरो होगा, क्योंकि इधर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो इधर प्रोबेबिलिटी जीरो होगा। इसके बाद सर ने बोला कि 1D पोटेंशियल बॉक्स होता है, उसका जो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, उसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो अगर इस पोटेंशियल में 0 टू a में अगर पोटेंशियल जीरो होता है, तो ये वी एक्स जो होगा ये एक जीरो के समान होगा, तब जो ए वाला टर्म होगा ये टर्म फिर से पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस दो दो या इधर माइनस साइन है। डेल एक्स टू प्लस टू एम ई एच कट स्क्वायर इक्वल टू जीरो। होगा तो इसमें साई ऑफ एक्स जो होगा वो होगा ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, और ये के है ये के स्क्वायर इक्वल टू टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर।
नॉर्मलाइजेशन का सॉल्यूशन मैं कर रहा था, तो मैंने ये इधर एक चीज़ मिस किया था, वो था कि मैंने इधर बाउंड्री कंडीशन पहले नहीं लगाया था। तो सर ने पहले मेरे को बोला कि इधर बाउंड्री कंडीशन लगाने के लिए, तो बाउंड्री कंडीशन अगर हम लोग लगाते हैं तो पहले जो बाउंड्री कंडीशन होगा वो होगा एट साई एक्स, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे ये होगा ज़ीरो, एंड ऑल्सो साई एक्स जब एक्स इक्वल टू ए पे भी वो होगा ज़ीरो। कॉस ज़ीरो का वैल्यू वन होता है तो, और साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है तो वो होगा ज़ीरो प्लस वी, तो उससे मिलता है कि वी इक्वल टू ज़ीरो। तो वी इक्वल टू ज़ीरो में ये टर्म नहीं रहेगा। उसके बाद एक्स इक्वल टू ए पे जो सॉल्यूशन होगा, एक्स इक्वल टू साई एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे ज़ीरो होता है, तो उधर से हमको मिलेगा ज़ीरो इक्वल टू ए साइन के ए, और ये होता है साइन एन पाई, ए साइन के ए। इधर से मिलता है कि के ए इक्वल टू एन पाई और के इक्वल टू एन पाई बाई ए। ओके, तो इधर से हम लोगों का जो मिल रहा है साई एक्स, वो साई एक्स मिल रहा है कि ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। तो ये जो a होगा वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में 0 टू a पे साई स्टार साई इक्वल टू होगा 1। उधर से जो मिलेगा हमको, उधर से सॉल्यूशन से मिलेगा हमको जो है ये साई ऑफ x इक्वल टू रूट अंडर 2 बाई ए साइन n बाई x बाई a। तो इसके बाद सर ने पूछा कि इसका जो ये वाला टर्म है, इस टर्म का डायमेंशन क्या है। तो इस पूरा टर्म को डायमेंशन लेस होने के लिए इसका होना पड़ेगा, ये इसका डायमेंशन होगा इस पार्ट का साइन एन पाई एक्स बाई ए का। तो इधर तक सर ने पूछा था। उसके बाद मैंने जो सर ने जो मैम था उस उनको पूछने के लिए बोला था, तो उन्होंने मुझे क्लासिकल से पूछा था। तो क्लासिकल से उन्होंने ज़्यादा कुछ सवाल किए नहीं थे, तो उन्होंने पहले बोला था कुछ वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन एक बोला था जो मैं उधर नहीं कर पाया था, उस और पूछा था एस्केप वेलोसिटी वाला, जो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो हम लोगों को पता है एस्केप वेलोसिटी होता है कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी लगता है, तो उसका मैंने डेरिवेशन भी किया था उधर। टोटल एनर्जी होता है वो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एम स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर। तो इधर जो एम है, स्मॉल एम है, वो मास है जो जिसको इसके वेलोसिटी देकर हम बाहर ले जाना चाह रहा है, और ये जो एम है वो है अर्थ का टोटल मास। तो इधर से अगर कोई अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जा रहा होगा तो उसका टोटल जो एनर्जी होगा वो होगा जीरो। उससे हम लोगों को मिलता है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। उधर से ये एम एम कैंसिल और वी होगा रूट अंडर टू जी एम बाई आर। उसके बाद मैम ने पूछा मेरे से कि अगर कोई छोटा मास होगा और कोई बड़ा मास होगा तो उन दोनों के लिए क्या ये वेलोसिटी सेम होगा। तो मैंने बोला था हाँ सेम होगा, क्योंकि इधर जो वेलोसिटी वाला टर्म है उसमें कोई स्मॉल एम का टर्म है नहीं, मतलब कि अगर कोई छोटा मास भी होगा अगर बड़ा मास भी होगा तो सबके लिए ये वेलोसिटी टर्म सेम रहेगा, ये कैपिटल एम के ऊपर और जो आर है उसका डिस्टेंस इसमें ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है। तो उसके बाद मुझसे और क्लासिकल का कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं उन्होंने। उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर के जो सर थे
उस उनको बोला क्वेश्चन पूछने के लिए। तो न्यूक्लियर का जो सर था उन्होंने मुझे बोर्ड पे कुछ करने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो उसके जानने के लिए हम क्या क्या मॉडल को हम पढ़े हैं। तो मैंने पहले बोला था लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है एक, दूसरा जो पढ़ा है वो है सेल मॉडल। सर ने पूछा था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में कुछ टर्म है, एनर्जी टर्म आता है करेक्शन के लिए, वो सब क्या क्या टर्म है। तो मैंने टर्म सब बोला था, लेकिन उनका जो एग्जैक्ट जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है होता है मुझे तब नहीं याद आ रहा था। तो मैंने बोला था कि उधर जो है तो वो ब्यूम एनर्जी करेक्शन होता है एक होता है उसका सरफेस एनर्जी करेक्शन वाला एक टर्म होता है और कूलम एनर्जी वाला टर्म होता है, ये सब मैंने बोला था उधर। उसके बाद सर ने पूछा था कि मोस्ट स्टेबल जो न्यूक्ली होता है वो क्या है। तो वो होता है Fe आयरन 56 जो न्यूक्ली होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सर ने उसके बाद दूसरे एक सर को बोले क्वेश्चन करने के लिए बोले, तो उन्होंने एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन किए थे। तो एटॉमिक फिजिक्स से जो पहले उन्होंने बोला कि एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसको ड्रॉ करो। तो हाइड्रोजन एटम में हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उस पर एक प्रोटॉन रहता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सर ने उसके बाद बोला कि इधर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चार्ज है नेगेटिव चार्ज एंड जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसके अंदर ये रोटेट कर रहा है तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं कर रहा है, कैसे ये स्टेबल है। ये बोला था कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें यही उसका फॉल्ट था, क्योंकि जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होता है उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके एक्सीलरेशन के लिए इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर एनर्जी लॉस करेगा तो ये ग्रेजुअली ऐसा करके अंदर पड़ जाना चाहिए। लेकिन जो उसके बाद जो बोर का जो थ्योरी है उसमें लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि पोस्टुलेट है उसमें बोला था कि वो सिर्फ कुछ ही एंगुलर मोमेंटम पे फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम इसका होगा। तो उधर जो इसके लिए जो इसका एल है एंगुलर मोमेंटम वो एन एच कट के इक्वल होगा। अगर पार्टिकल को इधर से दूसरे कुछ दूसरे ऑर्बिट पे अगर जाना पड़ेगा तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको लॉस करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। ऐसा होगा नहीं कि ये कॉन्टिन्यूसली किसी भी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो इधर से हम लोगों को पता है कि ए एम वी आर इक्वल टू एन एच कट होता है और उधर से इसका जो वेलोसिटी होगा वो एन एच कट बाई एम आर होता है और आर जो आर होता है वो होता है एन एच कट बाई एम वी एम पी। तो ये जो आ रहा है रेडियस वो रेडियस भी फिक्स्ड ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को दूसरे कुछ ऑर्बिट पे जाना पड़ेगा तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है कि जो होता है एच न्यू का एच न्यू एनर्जी लेके वो जा सकता है, वो कॉन्टिन्यूस किसी भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर सकता। तो इसलिए इधर क्या हो रहा है, इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन कॉन्स्टेंटली स्पिन कर रहा है, वो न्यूक्लियस पे आकर नहीं पड़ रहा है। अगर दूसरे कुछ एनर्जी लेवल जो रहेगा उधर जाने के लिए एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। बाहर वाले कुछ इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आएगा तो उधर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगा। सर ने उसके बाद जब ये मैंने बोला था उसके बाद सर ने बोला था ठीक है चलो और कुछ बोर्ड में वर्क नहीं करना होगा। तो सर ने उसके बाद मुझे बैठने के लिए पहले बोला था, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन सर ने किए थे जो बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो सब किए थे। तो पहले उनमें से उन्होंने बोला कि अगर ये अर्थ जो रोटेट कर रहा है अगर वो रोटेट स्टॉप हो जाए तो क्या होगा। तो मैंने बोला था बाहर की तरफ हम लोग चले जाएंगे, तो सर ने बोला था नहीं अगर रोटेशन
रोटेट करना बंद हो जा रहा है तब ग्रेविटेशन तो उधर रहेगा, तब बाहर जाने का तो सवाल नहीं, तो क्या होगा? तो मैं उधर वो ठीक से बोल नहीं पाया, तो मैंने एक और बोला था सर को कि ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग जो रोटेट कर रहा है तो हमारे पास जो इनर्शिया होगा तो इस इनर्शिया के लिए हम किसी तरफ जा सकते हैं। तो उसके बाद मैं वो नहीं बोला था उस आंसर। उसके बाद सर ने बोला ये जो रूम है उधर, जो रूम था उधर, रूम का जो वॉल था वो स्मूथ नहीं था, उसके एक टेक्सचर था सारे रूम पे। तो सर ने बोला कि ये रूम क्यों ऐसा है? तो मैंने बोला था कि रूम जो है उसके रिफ्लेक्शन, साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको मिनिमम करने के लिए ये वॉल शायद डिजाइन किया है। तो उसके बाद मैंने बोला था कि जो वेब फ्रंट होता है कि वो वेब फ्रंट एक जो रिफ्लेक्ट करेगा वेब फ्रंट अगर रिफ्लेक्ट करके सारे रूम का जो नॉइस होगा वो ज़्यादा होगा, अगर सरफेस रफ होगा तो वेब फ्रंट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो अपने आप को ही कैंसिल कर देगा। उन्होंने जब बोला कि एक घंटा हो गया है, तो मैंने उसके बाद सर से बोला कि आप चाहे तो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। तो सर ने वो सुन के एक दूसरे सर को बोला कि क्वेश्चन करने के लिए। उन्होंने पहले बोला कि इस रूम पे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या चीज़ है, तो मैंने बोला था कि ये लाइट, फैन, ये सभी है। तो उन्होंने बोला कि ये फैन के अंदर कौन सी पार्ट है जो तुम लोग पढ़े हो? तो मैंने बोला कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब। तो बोला कि इधर जो कैपेसिटर लगा होता है वो किस लिए होता है? तो मुझे वो मालूम नहीं था, तो मैं वो बोल नहीं पाया था उधर। और सर ने ये बोला था कि जो फैन है वो फैन कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? तो मैंने बोला कि वो क्लॉकवाइज घूमता है, तो लेकिन वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उससे कुछ डिफरेंस नहीं होता है। वो फैन का ब्लेड ऐसा हुआ है कि डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करने से हवा मिलेगा। तो ये सभी सर ने बोला था। तो इधर मेरा जो सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू है वो सब्जेक्ट का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मुझे सर बाहर जाने के लिए बोले। तो लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि मेरा जो इंटरव्यू कैसा हुआ। मुझे तो ये तो मेरा पहली बार इंटरव्यू मेरा हुआ था, मैंने इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया नहीं था। तो मेरा इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला। उसके बाद 10-15 मिनट्स के बाद एक सर आया, तो उन्होंने बोला कि जो उधर जो डिपार्टमेंट का हेड है उनसे मेरा दूसरा एक इंटरव्यू होगा। मुझे ये पहले पता नहीं था कि ये दो इंटरव्यू इधर हो रहा है। सेकेंड वाला जो इंटरव्यू हुआ था तो उसमें सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन सर ने पूछा नहीं था। तो मेरा जो ये दोनों ही जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, तो सर लोग जो उधर थे तो वो बहुत हेल्पफुल थे। मेरे जो भी मैंने गलती किए थे सब्जेक्ट के इंटरव्यू में भी और जो बाद में जो हुआ था, तो दोनों में सर ने बहुत हेल्प किए थे। मुझे जो आंसर वो लोग चाहते थे मुझसे वो उन्होंने उसको ही ज़्यादा फोकस किया कि मैं वो कर पाऊँ, सॉल्यूशन भी कर पाऊँ। तो जो सेकंड जो सर ने, डिपार्टमेंट हेड ने जो मुझे बुलाया, तब उन्होंने मुझे पहले कहा कि मैं मेरा कौन सी टाउन है या मेरा इस मिडनापुर एंड वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा। उसके बाद सर ने जो बोला कि तुम क्यों अपना MSc छोड़ के इधर आना चाहते हो? तो मैंने उधर बोला कि मेडिकल फिजिक्स का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो फिजिक्स का इस पार्ट में मुझे लगता है मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो सर ने उसके बाद बोला कि डाउन द लाइन 15 इयर्स के बाद मुझे क्या करना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं मेडिकल फिजिक्स के बाद सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता हूँ, ये सब के बारे में। तो उधर भी मेरा करीब आधा घंटा से ऊपर ही सर ने इंटरव्यू लिया था। उसके बाद सर ने मेरा बाकी सर हॉबीज़ और मैं क्या करता हूँ ये सब सर ने पूछा था। मैं जो हूँ तो एक नेशनल लेवल राइफल शूटर हूँ, तो इसलिए मेरा स्पोर्ट्स का भी एक पार्ट है जो मुझे पढ़ाई के साथ साथ देखना पड़ता है। जिधर नाइजर का कैंपस है उधर से भी आसपास में मेरा स्पोर्ट्स का भी जो है प्रैक्टिस का एलिमेंट हो जाएगा। तो मैंने सर को ये बोला था कि अगर मुझे ISM में जाना पड़ेगा तो
स्पोर्ट्स के प्रैक्टिस के लिए भी मुझे दिक्कत होगा। तो सर ने जब मेरा ये बात सुना तो सर जो रेस्पॉन्स किए थे वो एकदम अलग ही थे। सर ने बोला कि हाँ तो तुम अगर इधर आओगे तो तुम्हारा जब मर्जी सैटरडे संडे को तुम जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। उन्होंने इसके बाद कहा कि तुम्हारा इधर इंटरव्यू पे सिलेक्शन हो या ना हो, टीवी पे एक दिन तुमको मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो ये सुन के भी मुझे बहुत आनंद ही मिला। उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है तुम अब बाहर जा सकते हो। तो यही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो मेरा ये पहला बार है कि कैमरा के सामने आके एक इंटरव्यू सेशन डिस्कस करने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलती हो रहा है तो वो माफ़ करें सभी। और सर के चैनल पे सभी जुड़े रहिए। आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके वो बता सकते हैं। सर एकदम सर फ्रेंड की तरह ही है, आप लोगों का जो भी हेल्प लगेगा सर वो करेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को एंड थैंक यू।